हेलो गाइस, आज एक छोटा सा वीडियो ला रहा हूँ मैं कि वुंड को कैसे ट्रीट करते हैं। मतलब अगर आपको कोई वुंड दिखेगा मैगेट्स वाला, तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए आपको। और ड्यू टू दिस लॉकडाउन बहुत सारे मेरे को डीएम्स और कॉल आते हैं कि वुंड वाले डॉग्स के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से वेट्स भी अवेलेबल नहीं है और सब जगह क्लिनिक ये सब भी बंद है। सो आप क्या कर सकते हो अगर आपको वुंड वाला, अच्छा मतलब मैगेट वुंड वाला दिखा। और ये एक छोटा सा वीडियो है हर एक फील्डर के लिए कि थोड़ा उनको ये सब जो चीज मैं दिखा रहा हूँ सब उनके पास रहना चाहिए एज अ इमरजेंसी किट, कि कभी भी उनको अगर कोई डॉग मिले तो वो मतलब ऑन द स्पॉट वो ट्रीट कर पाए, ऐसे वेट ना करना पड़े कि वेट आएंगे विजिट करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको मैगेट्स के लिए कुछ करना पड़ेगा वुंड में। तो मैगेट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो मैगेट्स के लिए, ये स्प्रे यूज कर सकते हो टॉपिक्योर, आप ये स्प्रे भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मैगेट्स के लिए एक और है, आप ये आयरमेक्टिन लिक्विड यूज कर सकते हो। आयरमेक्टिन लिक्विड, ये आयरमेक्टिन लिक्विड आप जैसे सीरेंज में लेके डायरेक्ट वुंड पे आपको बस स्प्रे करना है, आप ये यूज कर सकते हो। और बेस्ट अगर आपके को ऐसा है तो गॉट बैक पाउडर यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, जस्ट ये पाउडर को उसके वुंड पे डालना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग को एक पपी मिला जिसका थोड़ा वुंड ज्यादा हो गया था हम लोग को जब तक मिला हो, तो हम लोगों ने क्या किया, गॉट बैक पाउडर डाला उसके वुंड पे और उसको थोड़ा ड्रेसिंग कर दिया 2-3 आवर्स के लिए। तो 2-3 आवर्स में सब मैगेट्स मर गए थे। उसके बाद हम लोग ने एक एक करके सब मैगेट्स निकाला। तो मैगेट्स निकालने के बाद अभी हम लोग रोज उसको 2 टाइम ड्रेसिंग कर रहे हैं, 2 टाइम मतलब उसके वुंड को ओपन रख रहे हैं, लेकिन 2 टाइम हम लोग उसको क्लीन करके मेडिसिन लगा रहे हैं और ओरल मेडिसिन भी दे रहे हैं। तो अभी आगे आपको देखने मिल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, वुंड को कैसे क्लीन करना है, कैसे मेडिसिन लगाना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि वुंड को क्लीन करना पड़ेगा आपको। तो आप ये सलाइन वाटर यूज कर सकते हो क्लीन करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सेवलॉन भी यूज कर सकते हो, सेवलॉन अवेलेबल हो जाएगा आपको नॉर्मल मेडिकल पे भी। तो दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सलाइन वाटर से पहले हमें वुंड को क्लीन कर लेना है अच्छे से। तो आ जाइए आप देख लीजिए। सेकेंड स्टेप आपको एंटीसेप्टिक, कोई भी एंटीसेप्टिक आप ले सकते हो, आपको एंटीसेप्टिक उसके वुंड पे डालना पड़ेगा। तो एंटीसेप्टिक आप लीजिए और उसके वुंड पे से स्प्रिंकल कर दीजिए। आपको एंटीसेप्टिक नहीं अवेलेबल है मेडिकल ये सब में भी, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल आपका घर का हल्दी ले सकते हो और उसमें थोड़ा कपूर मिक्स करके, पाउडर करके कपूर को मिक्स करके आप वो डाल वुंड पे आप स्प्रिंकल कर सकते हो। और बाद में थर्ड स्टेप है कि आपको कोई भी ऑयलमेंट लेना है और आपको ऑयलमेंट वुंड पे लगाना है। तो मैं हीमैक्स यूज कर रहा हूँ ऑयलमेंट, काफी अच्छा ऑयलमेंट है ये स्ट्रे डॉग, मतलब सब एनिमल्स के लिए काफी अच्छा, आप स्ट्रे डॉग स्ट्रे कैट किसके लिए भी यूज कर सकते हो ये ऑयलमेंट। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल मेडिकल से अपना ऑयलमेंट जो आता है आप वो उसके वुंड पे लगा सकते हो। तो हम लोग अभी हीमैक्स लगा रहे हैं उसके वुंड पे। हमें हीमैक्स इधर कॉर्नर पे लगाना है वुंड के, कि उससे मतलब मक्खी ना बैठे उसके वुंड पे।
हो गया हो गया हो गया, बूंद से लेंगे। आप ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बूंद को ऐसे रोज क्लीन करना है आपको, और मेडिसिन लगाना है, और साथ में ओरल मेडिसिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है के लिए, उससे ही बूंद हील होएगा। सो इफ आपके आसपास में अगर बूंद वाला कोई डॉग है, आपको कुछ भी अगर मेरे से हेल्प चाहिए रहेगा, प्लीज मेरे को DM कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए। मैं श्योरली जितना मेरे से हो सके मैं आपको गाइड करूंगा और आपको आपसे आपको हेल्प कर पाऊंगा। और ये सब चीज मेडिसिन से लेके सब कुछ ये सब वेट से ही प्रिस्क्राइब्ड है। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मन से बता रहे, वेट से ही प्रिस्क्राइब्ड है सब। और आप भी ऐसे करके एक नॉर्मल आप जान बचा सकते हो, क्योंकि अगर वुंड को आप अच्छे से एक दो दिन में अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो वुंड बहुत ही वर्स्ट हो जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि मैगेट्स उसके बॉडी को अंदर अंदर ही खाते रहेंगे। आपको बाहर से वो भले छोटे दिखे लेकिन अंदर से पूरे मैगेट्स उसको खाते रहेंगे। सो प्लीज अगर आपके इधर आपको ऐसे दिखे कोई डॉग जिसको हेल्प चाहिए, आप प्लीज आगे आइए हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनके लिए हमारे अलावा अब भी तो कोई नहीं है ये सब लॉकडाउन में, और जितना हम लोग सफर कर रहे उतना सेम वो लोग भी सफर कर रहे। सो प्लीज प्लीज आप लोग आगे आइए और हेल्प कीजिए।